को है काम करने वाला भला, मैं तब से समझ रही हूँ तुम लोग गाड़ी धो रहे हो। तो अभी उस पर कपड़ा तो मारना था, बाइक भी तो नींद की सुलह हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, चलो वो बकेट उठाओ, ये बकेट इधर ही थी, दूसरे से लाओ थी, उठा लेना था इसको। बाइक भी वॉश की है, ये रात की आंधी की वजह से बेचारा फिर से कोना हो गया है। चलो बस करो अब आ जाओ अंदर। जी जनाब, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे पढ़ चुके हैं कि आज जो है वो मेरे हस्बैंड साहब में और अबू जी ने जो है वो कुकिंग चैलेंज मेरा जो है वो एक्सेप्ट किया है, और यहाँ जो है अली साहब अपने अकॉर्डिंगली जो है जो उनको अच्छी लगती रेसिपीज जो कि उनकी स्पेशल चटनी की रेसिपी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और अबू साहब जो है वो अंदर पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इसका भी व्लॉग बना के आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। इतनी ही वो यम्मी कैरी की चटनी बनाते हैं ना कि यकीन करें मेरा तो दिल करता होता कि मैं बस इसी के साथ जो है ना वो खाना खा लूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ ये जो है वो कैरी काट रहे हैं, और यकीन करें देख के जो है वो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और यकीनन आप लोगों के जो है ना वो मुंह में पानी आ रहा होगा और दांत खट्टे फील हो रहे होंगे। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो कि ये खुद ही इसकी जो है वो पूरे इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करेंगे। है जी लाहौरी कैरी चटनी, इसमें सबसे पहले जाते हैं टमाटर, ठीक है, फिर ग्रीन चिल्ली, फिर एक जो है ना उसको कह रहे हैं अब कच्ची कैरी जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये कैरी है, ये टमाटर है, इसमें फिर सुरख मिर्च और वाइट सॉल्ट, उसके बाद आएगा जी इसमें फ्रेश ग्रीन मिंट, सारी चीज़ें सब जाएंगी इसमें प्रॉपर में, फिर ये जाएगा ऐसे। जी जनाब, ये बहुत ही मज़े की यम्मी कैरी की चटनी जो है वो रेडी होगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इस तक टेस्ट जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ जो है वो जनाब चटनी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है, और यहाँ अबू जो है वो मुर पुलाव की तैयारी कर रहे हैं, और अबू से जो है वो रिकॉर्डिंग कराना ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि जाहिर है मुझे डर लग रहा था, और बस थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग की और वो मुझे डांट भी रहे थे कि क्यों तुम रिकॉर्ड कर रही हो। और ये जनाब बहुत ही लजीज जो है वो चिकन पुलाव रेडी हो गया है, मतलब इतना अकेला अकेला राइस बनाते हैं ना अबू के, बस मैं आपको क्या बताऊं कि दिल करता होता है कि मैं तो मतलब अबू जब भी आते हैं ना तो मैं स्पेशल अबू को कहकर जो है ना वो राइस बनवाती हूँ, बल्कि जितने दिन मेरे तरफ रहते हैं ना तो अबू जो है वो हमें अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं, क्योंकि ये सऊदीया में जो है वो 30-35 साल रहे हैं, तो वहाँ रह के जो है इन्होंने अपने लिए कुकिंग करना सीख ली थी, और इनको इतना कि कोई यम्मी खाना बनाना आता है ना कि इनके हाथ के जैसा खाना कोई भी बना नहीं सकता। और अगर नेक्स्ट जो है वो अबू मान गए ना तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है ना वो इनकी बनाई हुई रेसिपीज जो है ना वो शेयर करूँगी। चिकन पुलाव जो है वो रेडी हो गया हुआ, बहुत ही लजीज चिकन पुलाव रेडी था। सो दिस इज़ ऑल टुडे गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।